तो मैंने सारे कंपोनेंट्स को बहुत ही अच्छे तरह से क्लीन कर लिया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। पहले ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, बट अब ये क्लीन है और बेटर है। और यहाँ पे इसका पेंट थोड़ा सा फेड कर गया है, जगह जगह से उखड़ चुका है पेंट, तो मैं इसमें पेंट करना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल लुक मिल जाएगा। ऐसे अगर इसमें आप पेंट नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये अल्मीनियम एलॉय का कंपोनेंट्स है, तो इसमें रस्टिंग का कोई टेंशन नहीं होता है। बट अगर आप इसमें पेंट करेंगे तो एक ब्यूटीफुल लुक इसमें मिल जाएगा, और मैं इसे पेंट करने वाला हूँ। और आप जब भी कोई भी कंपोनेंट को पेंट करें तो एक अच्छे ब्रांड का पेंट यूज़ करें, क्योंकि अगर आप चीप ब्रांड का पेंट यूज़ करेंगे तो वो 10 दिन के बाद फेड हो जाएगा, या उस पर पेट्रोल या कुछ गिरता है तो वो निकल जाएगा, या फिर पील ऑफ हो जाएगा। तो जब भी आप पेंट करें, मेहनत करें, तो अच्छे से सरफेस को क्लीन करके, जैसे कि मैंने इस कंपोनेंट को अच्छे से क्लीन किया है, क्लीन करके अच्छे से उस पर पेंट कीजिए, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ईयर्स एंड ईयर्स आपका काम करेगा। वही चीप ब्रांड रहेगा तो 10 दिन के अंदर में बाहर निकल जाएगा वो। तो आइए इस कंपोनेंट को थोड़ा सा ब्यूटीफुल कर लेते हैं और इसे हल्का सा एक गुड लुक दे देते हैं। तो मैंने इसे पेंट कर लिया और ये पहले से बहुत ही बेटर दिख रहा है। पहले बहुत ये अगली दिखता था, बट अब एक कलर का हो गया है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को फिट करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को हम लोग फिट करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो लुकिंग ग्लास रहता है ब्रेक फ्लूइड को टेस्ट करने के लिए कि कितना इसका लेवल है, ये भी मैंने निकाल दिया था इसे क्लीन करने के लिए। तो ये इस तरह का रहता है, मैं जब भी बताऊंगा आपको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ, ताकि कोई भी अगर कंपोनेंट को आप रिपेयर करें तो उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे, और आप बहुत ही अच्छे से विथ फुल कॉन्फिडेंस आप उसे रिपेयर कर सके। और ये देखिए यहाँ पे मिनिमम लेवल इसमें लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से यहाँ पे एक ओ रिंग रहता है जो कि बाहर फ्लूइड को नहीं आने देता है, और आपको इसको यहाँ पे हॉरिजेंटली लगा देना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हॉरिजेंटली। और यहाँ पे ये इसका क्लिप रहता है, इसको पूरा आपको प्रेस कर लेना है, पूरे अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है, और यहाँ पे इसके क्लिप को इस तरह से लॉक कर देना है, ये अपने जगह पे आ जाएगा और ये परफेक्टली सेट हो जाएगा। इस लेवल ग्लास को आपको बहुत ही केयरफुली सेट करना है, या तो आप इसे ओपन मत कीजिए, या अगर ओपन करते हैं क्लीन करने के लिए तो बहुत ही केयरफुली इसको आप लगाइए। अगर आप सही से नहीं लगाएंगे तो यहाँ से लीकेज रहेगा फ्लूइड का। तो ये बहुत ही अच्छे से लग गया है। अब नेक्स्ट है इसका पिस्टन, और इसे हम लोग को सेट करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने इसके रबर रिंग्स को देखा है तो ये अभी चलने लायक है, तो मैं इसे रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, यही ओल्ड वाला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेन इसमें जो प्रॉब्लम आया था वो था
वाटर अंदर लीक होने से, तो ये अभी काम करने लायक है। तो ये स्प्रिंग पहले लगेगा, इस तरह से अंदर जाएगा। इस स्प्रिंग को भी आप देख लीजिए, सही होना चाहिए, यही रिटर्न होने में लीवर को हेल्प करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्प्रिंग है। तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, इसके डायरेक्शन को आपको ध्यान देना है, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे थोड़ा सा ब्रेक फ्लूइड का यूज़ करेंगे इसके रिंग्स को लुब्रिकेट करने के लिए, ये इंसर्ट करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे हम लोग थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेंगे इसके दोनों रिंग्स को, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ग्रीस और कुछ भी अलग चीज़ आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपने देखा है कि ये जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और अलग ही चीज़ बना देता है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, रिटर्न स्प्रिंग, और यहाँ पे ये पिस्टन है और दो इसका रिंग्स है। तो हमें बहुत ही केयरफुली, ऑलरेडी मैंने इसे लुब्रिकेट कर दिया ब्रेक फ्लूइड से, आराम से इसे हम लोग इंसर्ट करेंगे। देखिए आराम से ये इंसर्ट हो गया, देखिए बहुत ही केयरफुली आपको इसे इंसर्ट करना है। ये इंसर्ट हो गया और देखिए ये स्प्रिंग भी सही से काम कर रहा है, देखिए इस तरह से ये काम करेगा, ये देखिए ये सही काम कर रहा है, परफेक्ट है, फ्री होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो सरक्लिप था जो हमने निकाला था वो हमें इसमें लगा देना है बहुत ही केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सरक्लिप प्लेयर है, ये अच्छे से हम लोग को इसमें लगा लेना है। और ब्रेक फ्लूइड को कभी भी आप बेयर हैंड से टच मत कीजिए, सही नहीं होता है स्किन के लिए, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे इससे हम लोग आराम से लगा देंगे, ये देखिए ये हम लोग को सही जगह से इसे लगाना है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा बट इसे आपको सही जगह पे लगा देना है, ये देखिए। इसे आपको लगा देना है, ये लग गया, और इसको आपको अच्छे से टेस्ट कर लेना है कि अपने जगह पे ये आया कि नहीं। तो इस सरक्लिप को आपको बहुत ही ध्यान से इसे अपने जगह पे बिठाना है, अगर ये सही जगह पे नहीं बैठेगा तो बाद में ये बाहर आ जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो इसे आपको सही से बिठाना है और उसके बाद आपको टेस्ट करके देखना है इसके पिस्टन को सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए ये सही से काम कर रहा है, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, ये बहुत अच्छे से एक्चुएट कर रहा है। और ये जो पिस्टन और सिलेंडर का आप देख रहे हैं तो ये सेम यही प्रिंसिपल रहता है, जैसे ये सिरिंच में कैसे होता है, एक पिस्टन होता है और ये बाहर वाला पोर्शन सिलेंडर है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ इसमें भी रहता है। यहाँ पे बस एक होल्स रहता है, यहाँ पे जैसे कि होल्स है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहीं से ब्रेक फ्लूड अंदर जाता है। तो यहाँ भी अगर आप एक होल कर दें, यहाँ से आप ब्रेक फ्लूड अंदर जाएगा और ये पिस्टन इस तरह से काम करता है, जैसे ही आप लीवर प्रेस करते हैं तो इस तरह से आता है और यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है जिससे कि ये खुद से रिटर्न आता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ भी है, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। उसके बाद यहाँ पे एक रॉड है जो कि पिस्टन और लीवर को कनेक्ट करेगा, और यहाँ पे एक बूट है, इस बूट में इसे हम लोग इंसर्ट कर देंगे, ये बूट यहाँ तक रहेगा, ये देखिए यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है, इस में यहाँ पे बूट आएगा इस तरह से, तो इसे हम लोग इंसर्ट कर देंगे, ये देखिए बूट अपने जगह पे आ जाएगा, ये देखिए, और ये यहाँ पे रहेगा पिस्टन पे। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें ग्रीस लगा देना है, यहाँ तक ब्रेक फ्लूइड नहीं आता है, ब्रेक फ्लूइड अंदर ही तक ही रहेगा। तो यहाँ पे ये इसे हम लोग इस तरह से सेट कर देंगे बहुत अच्छे से, इस बूट को आराम से, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से काम करेगा। उसके बाद ये लीवर हमें लगाना है, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये लीवर के यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि ये लीवर में ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसमें ज़्यादा वियर नहीं होना चाहिए, और ये जो यहाँ पे बोल्ट लगेगा इसमें भी ज़्यादा वियर नहीं होना चाहिए, अगर ये कटा हुआ है तो इसे आप रिप्लेस कर दीजिए,
बट ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है, थोड़ा बहुत वियर है तो चलेगा। तो यहाँ भी आपको ग्रीस लगा देना है इसके सरफेसेस पे, ये देखिए यहाँ भी आपको ग्रीस लगा देना है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्री ऑपरेशन के लिए। और उसके बाद यहाँ पे भी ये जो कप टाइप स्ट्रक्चर है, यहाँ भी आप ग्रीस लगा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे हम लोग इसे लगा देंगे, यहाँ पे इस तरह से ये रहेगा, इस तरह से ये आता है, इस पे बैठता है, ठीक है। और इस बोल्ट को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे इसे हम टाइट कर देंगे अच्छे से। तो ये बोल्ट टाइट हो गया, ये लीवर बहुत अच्छे से ऑपरेट करेगा, ये देखिए बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ पे पीछे में एक लॉक नट भी होता है, इसे भी आपको टाइट कर लेना है, लॉक नट को, ये टाइट हो जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा, ये बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये टाइट हो गया है बहुत अच्छे से, लॉक नट को भी हमने टाइट कर दिया है। तो यहाँ तक जो भी मैकेनिकल ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड था हमने कंप्लीट कर दिया, और ये देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट वे में ये परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही स्मूथली ये परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे आता है फ्लूइड वाला टैंक, ये टैंक है, तो यहाँ पे इस तरह का एक डायफ्राम रहता है इस तरह से, बट अगर यहाँ पे इस डायफ्राम को आप देखेंगे तो ये डैमेज हो चुका है, ये देख सकते हैं ये डैमेज हो चुका है, और यही डैमेज डायफ्राम के वजह से हमारा जो पानी है इसके अंदर गया था। तो इस डायफ्राम को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इसमें न्यू डायफ्राम यूज़ करेंगे, तो इसे मैं हटा रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे न्यू डायफ्राम है। एक्चुअली ये जो मास्टर सिलेंडर है ये यूनिकॉर्न का है, होंडा यूनिकॉर्न, और ये जो पार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये CBZ का यूज़ कर रहा हूँ, CBZ एक्सट्रीम का। कंपनीज अलग होती है बट कंपोनेंट्स बहुत कुछ सेम होता है, तो ये इसमें सेट हो जाता है। तो अगर कभी कभी कोई कंपोनेंट आपको नहीं मिले, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मिलना, तो आप दूसरे कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये परफेक्टली फिट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद एक प्लास्टिक का कैप रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इसका जो कैप है ये लग जाएगा इस तरह से, ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। और जो इसका ओल्ड स्क्रू था मैं उसे बहुत डिफिकल्टी के साथ बाहर निकाला था, तो यहाँ पे मैं न्यू स्क्रू का यूज़ कर रहा हूँ। कभी भी अगर स्क्रू का हेड डैमेज हो जाए तो आप न्यू स्क्रू का यूज़ करें, ठीक है। और जब भी आप स्क्रू लगाएं इसमें तो थोड़ा सा आप ग्रीस लगा लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करें तो इजी हो जाए। एक्चुअली होता क्या है कि डायफ्राम अगर आपका डैमेज रहा तो यहाँ तक ब्रेक फ्लूइड आ जाता है और इस स्क्रू को कोरोड कर देता है, तो डायफ्राम का आपको ध्यान देना है, अगर डैमेज है तो उसे हटा दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नया स्क्रू का यूज़ कर रहा हूँ, और अभी जब मैं इसे सेट करूँगा तो ये स्क्रू मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी मुझे फ्लूइड डालना है, कनेक्शन करना है, तो इसे मैं बस लगा रहा हूँ, टाइट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ये। और यहीं पे जो पाइप का कनेक्शन है ये होगा, जो फ्लूइड वाला जो पाइप रहता है यहाँ पे कनेक्शन होगा इसका, तो यहाँ पे मैं इसे जस्ट लगा दे रहा हूँ, जब कनेक्शन होगा तो यहाँ पे इजी होगा मुझे लगाना, ठीक है। उसके बाद ये हैंडल में जब इसे क्लैंप करेंगे तो यहाँ पे ये लग जाएगा, आप समझ ही रहे होंगे ये दो बोल्ट के हेल्प से, तो यहाँ पे ये क्लैंप हो जाएगा हैंडल पे। और यहाँ पे मिरर आप देख ही रहे हैं सब कुछ, बट एक चीज़ अभी भी बचा हुआ है, वो है इसका ब्रेक स्विच। यहाँ पे आप इसे फ्रंट से नहीं देख पाते हैं बट ये नीचे में लगा रहता है, तो ये होता है आपका ब्रेक स्विच, और इसी से आपका टेल लाइट जलता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो यही स्विच काम करता है।
तो इस स्विच को लगाने के पहले आपको इसे एक बार चेक कर लेना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो बहुत इजी है, आप कंटिन्यूटी पे इसे लगाइए इस तरह से, और उसके बाद इसके वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, कनेक्ट कीजिए आराम से, और इसे चेक कीजिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसे आपको चेक करना है। तो ये कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, ये अभी ऑफ कंडीशन में है। तो ये काम कर रहा है बट कभी कभी नहीं कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। तो एक काम आप कर सकते हैं, या तो आप कंप्लीटली इसे रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप इसे रिपेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसे आप ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये ओपन हो जाता है, ये देखिए इस तरह से ओपन हो जाता है, ये देखिए, ये देखिए इसका जो स्विच है यहाँ पे, ये इस तरह से ओपन हो जाता है, और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए इस तरह से ये काम करता है, ये जो दो पॉइंट है इस तरह से ये काम करता है, और यही कांटेक्ट पॉइंट एक टाइम के बाद वियर हो जाता है। तो या तो आप इसे क्लीन करके काम चला सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा वियर हो चुका है तो आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट है इसका बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो मैं इसे क्लीन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसे रिप्लेस कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरह का इसका कांटेक्ट पॉइंट्स होता है, ये देखिए ये कांटेक्ट पॉइंट इसका घिस चुका है, ये देखिए छोटा सा पॉइंट है। तो मैं इसे रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी स्विच है, मैंने खरीद के रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड मोटरसाइकिल था तो स्विच सही से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने न्यू स्विच ले लिया है और इसे मैं रिप्लेस करूँगा। और ये देख सकते हैं ये हीरो का पार्ट है और ये होंडा का पार्ट है, ठीक है। तो सारी पार्ट्स कंपनी खुद नहीं बनाती है, मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट्स होता है वो दूसरे जगह से सोर्स किया रहता है। तो ये भी कुनाल का है और ये भी कुनाल का है, आप देख सकते हैं, तो दोनों सेम ही है। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये है हमारा मास्टर सिलेंडर, और इसके पीछे अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो इसका पोजीशन यहाँ पे बना रहता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका पोजीशन है, यहीं पे इसको आपको इंस्टॉल करना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसको आपको इंस्टॉल कर देना है, बहुत ही प्यार से ये इंस्टॉल हो जाएगा। और देखिए इस तरह से काम करता है, ये देखिए ये इस तरह से ऑन ऑफ होता है यहाँ पे ब्रेक के टच होने से, ये देखिए इस तरह से ऑन ऑफ ये होगा, और इस तरह से ये काम करेगा, ये देखिए, ठीक है इस तरह से। और ये एक छोटा सा स्क्रू है, छोटा सा स्क्रू हम लोग लगा देंगे और इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा स्विच भी इंस्टॉल हो गया बहुत अच्छे से, और इस तरह से ये काम करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है हमारा स्विच। तो दोस्तों यही था कंप्लीट असेंबली इस ब्रेक मास्टर सिलेंडर का, आपने हर एक चीज़ को डिटेल में देखा कि कहाँ पे क्या होता है, और वो जो पिस्टन और रिंग सेट है वो कभी कभी डैमेज हो जाता है, इस केस में ये डैमेज नहीं था। तो उस किट को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कभी कभी लीकेज हो जाता है, कभी कभी आपका ब्रेक काम नहीं कर पाता है, तो उस केस में आप उस किट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो सब कुछ मैंने कंप्लीट डिटेल में एक एक पार्ट को ओपन करके मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम अगर आपके मास्टर सिलेंडर में इस तरह कोई प्रॉब्लम आता है तो आप खुद से इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी टेंशन के लिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि टूल भी कोई स्पेशल चाहिए, छोटा मोटा सॉकेट आपका 10 नंबर 12 नंबर और एक स्क्रू ड्राइवर लगता है, आप इजीली सब कुछ खुद से कर सकेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ एक थोड़ा सा एक ये आपको लेना पड़ेगा एक सर्किल प्लेयर,
बट अगर ये आप लेंगे तो ये बहुत जगह काम आता है सर क्लिप को निकालने के लिए, तो एक आपका ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फ्यूचर में भी आप इस सर क्लिप प्लेयर का बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। तो यही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम अपने मास्टर सिलेंडर को खुद से रिपेयर करें, और माफ़ी चाहूँगा कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ऐसा एक्चुअली होता है क्या है ना कि आप लोगों को पसंद नहीं है लंबा वीडियो देखना, बट अगर कोई चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताना है, सब कुछ बताना है, तो टाइम तो कंज्यूम होगा ही। बट बहुत लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा बना देते हो, बोरिंग हो जाता है। बोरिंग तो हो जाता है यार, बट अब क्या करें, सब कुछ बताना भी तो होता है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, और साथ में एक बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नॉलेज रिलेटेड रिपेयर रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।